सहकार भारती की विभागीय बैठक का हुआ आयोजन। डॉक्टर संदीप सराबगी ने सहकार भारती के नव निर्वाचित पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की दिलाई शपथ। झांसी, सहकार भारती जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अनुसांगिक संगठन है, इस संगठन का मुख्य उद्देश्य जनता को रोजगार परक बनाना है। इस हेतु सहकार भारती समय समय पर क्षेत्रीय एवं विभागीय बैठकों का आयोजन करती रहती है। इसी क्रम में झांसी मंडल में भी विभिन्न स्थानों पर बैठकों का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम सुबह 9:30 बजे झांसी देहात स्थित पैरोली, दोपहर 12:30 बजे झोकन बाग स्थित विभाग कार्यालय पर एवं दोपहर 3:30 बजे जनपद ललितपुर के कार्यालय पर बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य FPO प्रकोष्ठ का गठन करना है। सहकार भारती की झांसी महानगर की इकाई के द्वारा अपने FPO प्रकोष्ठ का विस्तार करते हुए मुझे ये कहते हुए हर्ष हो रहा है कि आज यहाँ FPO प्रकोष्ठ का गठन किया गया है और FPO प्रकोष्ठ में संयोजक के रूप में श्रीमान कुंज बिहारी शर्मा जी, आपके लिए तालियां बजाइए, और दीपचंद केसरी केसरी जी, श्रीमान दीपचंद केसरी जी को सहसंयोजक के रूप में, श्रीमान रविकांत चौधरी जी सहसंयोजक, और श्रीमान संदीप नामदेव आप जिले के महानगर इकाई में सहसंयोजक के दायित्व में रहेंगे। आपकी घोषणा करते हुए मुझे इस बात का अपार प्रसन्नता हो रही है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है देश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन तक ले जाने का, इसमें FPO का जो योगदान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सब जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, बहुतायत में यहाँ लोग खेती करते हैं और खेती में किसान की आमदनी को बढ़ाए बिना देश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन तक ले जाना असंभव। FPO अभी जो लॉकडाउन के बाद से जब हम देख रहे हैं, FPO ने अपनी आय को बढ़ाने के लिए बहुत ही सार्थक सकारात्मक कार्य किए हैं। ये गति और तेज हो, इसमें सहकार भारती के FPO प्रकोष्ठ की महत्वपूर्ण भूमिका है और आज यहाँ इसका गठन होने के बाद में हम ये आशा करते हैं कि सारे FPO को एक साथ जोड़ करके एक उनको मंच मिलेगा और उनकी जो समस्याएं हैं जमीनी स्तर पर उनको शासन प्रशासन तक पहुंचाना, उनकी समस्याओं का निदान, ताकि वो और बेहतर तरीके से कार्य कर सके। साथ ही दूसरे FPO बगल के जो जिले हैं, देश के अन्य हिस्सों में जो FPO अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके अनुभवों का लाभ यहाँ के FPO को मिलेगा और इन सब चीज़ों से होगा ये कि जो FPO के सदस्य हैं इनकी आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो किसान खुशहाल होगा और कहीं ना कहीं वो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में कार्य करेगा।